एक्चुअली ये फिल्म जो है पहले किरण जी ने देखी और किरण जी ने इतनी तारीफ की ये फिल्म देख के और मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि ये फिल्म आपको देखनी ही देखनी है। तो मैं भी सोचा था कि क्या बनाया सोनाली जी सोनाली ने इतना कि इतनी एक्साइटेड थी किरण मुझे दिखाने के लिए। तो मैंने फिर फिल्म देखी और मुझे बेहद पसंद आई। इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है सोनाली ने और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, रियली टचेस योर हार्ट। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अक्सर मैं जगह अलग अलग जगह जाता हूँ तो मुझे कई दफ़ा कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हिंदी फिल्मों में तो कई जगह मैं जाता हूँ तो लोगों ने मुझे ये सवाल बार बार पूछा है कि आमतौर पर हिंदी फिल्मों में जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं या इनको हम डिसेबल्ड कहें डिफरेंटली एबल्ड कहें वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कभी नहीं होते। आमतौर पे वो हमारे मेन कैरेक्टर्स नहीं होते, हम उन पर कहानी नहीं बनाते। लेकिन ये एक फिल्म है जिसमें जो लीड कैरेक्टर है शी इज़ गॉट सेलिब्रल पॉलिसी, जो दूसरी लीड कैरेक्टर है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, नज़र नहीं आता उसको, तो इन दो लोगों की कहानी इतनी कमाल की कहानी है और इस फिल्म में इतना होप है। सच ए इंस्पिरेशनल फिल्म, इट्स वेरी अपलिफ्टिंग फिल्म। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में कि ना सिर्फ ये बहुत ही जज्बाती कहानी है लेकिन आपको यू गेट अप विद फीलिंग ऑफ यू नो विद अ लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट। वेरी वेरी फाइन फिल्म। माइन वेल नॉट रियली, आई थिंक दिस फिल्म इज मोर बोल्ड, मोर saying, it's saying a different thing. I mean, I think Tare Zameen Par also is a very wonderful film. Script especially that Amol wrote was very, very, very sensitive. This is not like that. No, it's different. But it's different. Is some part inspired by Nanavati Madaki also? I beg pardon? Nanavati Madaki? Yeah, yeah. No. Nothing? Nothing to do with it. I don't know. It's a general concept. I mean, you're boring. I'm so sorry. I don't know who you're talking about. No, nothing to do with it. Sir, you've been a very good friend to Kamal Haasan nowadays, but again he's into some trouble saying that Kamal Haasan, sir. What trouble? Sir, you've been friends with him now because recently there was been saying that he had Amir and Kamal is back friendship. But now, Hindu Vishnu Parishad said that Uttama Gati Gunti movie, Uttama Villain. Jo... Should we talk about this film? Sir, come on. Please. Let's talk about this. Shonali, you know, it's coming during the IPL. It is an independent film. You know, IPL is 8 years old now. But is there a sense of competition as well? Well, it's Viacom 18 who decided what the release dates would be, so I'm sure they keep all these things into consideration. You know, I think you look at more what are the other films coming out at that time, and I think the feeling is that IPL hots up in May, and this is kind of a good time that they felt. मुझे पता नहीं इसके लिए लॉ बनाने की ज़रूरत है या नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि आमतौर पे जो थिएटर्स होते हैं जो लोग जब कोई ऑडियंस एक फिल्म को पसंद करती है तो ऑटोमेटिकली उसको शोज़ मिलते हैं, तो आई डोंट नो कि इसके लिए लॉ बनाना ज़रूरी है या नहीं, बट आई एम डेफिनेटली इन सपोर्ट ऑफ रीजनल सिनेमा। और खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान में वाकई रीजनल सिनेमा इतना वाइब्रेंट है, हम अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यार ये बहुत कमाल की फिल्म बनाई है सोनाली जी ने और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बाकी मुद्दों पे कभी भी बात कर सकता हूँ, ये फिल्म ओवरशैडो हो जाएगी ये सब मुद्दों से, तो आप लोग भी ये फिल्म को सपोर्ट करिए। और सवाल मत पूछिए, और दो चार सवाल इस फिल्म के बारे में पूछिए,
मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म लोग देखें, इतनी कमाल की फिल्म बनाई है, और आप लोग का भी ये काम बनता है कि आप लोग ऐसी अनयूजुअल फिल्म्स को सपोर्ट करें, है ना। आई थिंक द स्टोरी, द स्क्रिप्ट, द परफॉर्मेंसेस, कल्की डन अ वंडरफुल जॉब, आई थिंक इन एवरी डिपार्टमेंट द स्क्रिप्ट, द फिल्म इज रियली शाइन्स आउट, रियली शाइन्स आउट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।